अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर से होंगे और खुश होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर पे और जोधपुरी दरबार। दानिश जो है पहली बार जा रहा है जोधपुरी दरबार, लेकिन हम किसके साथ जा रहे हैं ये थोड़ा सा सरप्राइज है आप सबके लिए, क्योंकि चलो दिखाई देती हूँ सरप्राइज। ये है आप सभी की फरमाइश पे बंदा हाजिर है। हाँ, मतलब इन लोगों को, काफी लोगों ने इनको बोला था अच्छे से ट्रीट देनी चाहिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के कहने पे ये जनाब यहाँ पहुँच गए। मॉर्निंग में आए थे ये और पूरा दिन तो हालांकि क्लास में थे, मतलब 3 बजे के आसपास क्लास गए थे और अभी जस्ट आए हैं। तो मैंने इनको फोन कर करके इनके पास, मतलब बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन जो है हम लोग डिनर का प्लान बना चुके थे। 7 बजे जाना था लेकिन 8 बज चुके हैं और अभी 8:30 हो गए हैं। सो पहले हम लोग जा रहे थे वेज खाने के लिए। दानिश के किसी स्टूडेंट का जो रेस्टोरेंट खुला है, अच्छा था वो रेस्टोरेंट, काफ़ी वेज था उसमें, तो लेकिन हमारा मूड चेंज हो गया तो हम खाने जा रहे हैं नॉनवेज अब जोधपुरी दरबार, जो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जोधपुर का। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और ये मेरा और मामोसा के पास बैठा है, नींद में से उठा है। ये हर बार जो है मैं इसको नींद में से उठा के कहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि पहले सुला देती हूँ ताकि इसका जो है बाद में ये परेशान नहीं हो, रोए नहीं। सो थैंक यू इनको फोर्स करने के लिए, हम दोनों के पास मिलने के लिए, बोलने के लिए इनको। नहीं, मैंने बोला था मैं आऊंगा। अच्छा, मैंने ये थोड़ी बोला था कि मैं नहीं आऊंगा, आज सही टाइम नहीं है, उस वक्त मैं बिजी था थोड़ा, कुछ मेरी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी। सैटरडे और संडे आ गया ना, बस एक फ्राइडे का थोड़ा सा ऑफ लिया क्योंकि वहाँ पे बच्चों को ये टेस्ट का बोल के आ गए, तो इस वजह से सैटरडे संडे की वजह से ये आए हैं। नहीं, मैं बीच में भी आ जाता, एक दिन के लिए आना होता तो मैं आ जाता, लेकिन फिर शादी थी इनके फैमिली में कोई, और उसके बाद मुझे मेरे 3 दिन चले जाते, तो 3 दिन मैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। ये एक रीजन था कि ये जो है बर्थडे, अगर बर्थडे होता ना सिर्फ तो ये आ जाते, लेकिन जो है शादी भी थी हमारे घर में, इस वजह से ये जो है 3 दिन नहीं कर सकते थे, यू नो वेट नहीं कर सकते थे वहाँ पे, सो इस वजह से आज ये क्लास लेके, आज भी ये क्लास लेने गए थे जो यहाँ का, यहाँ वाला सेंटर है वहाँ पे, ये बच्चों को पढ़ा के आए, मोटिवेट करके आए, लेक्चर दे के आए। जो तुम सुकून तो मिलता है ना आपको आके, सच बताना, सुकून तो मिलता ही है, लेकिन क्या होता है कि एक कहावत है, वो कहावत क्या है, एक शेर किसी ने गाया, बोला कौन कम वक्त दूसरों की गलियों में जीना चाहता है, ये तो मजबूरियां हैं जो दूसरों की गलियों में जीने पे मजबूर कर देती हैं। तो अच्छा लगता है कोई जगह आपकी होती है वहाँ पे काम करके, आपको अच्छा लगता है, 10 साल 12 साल रहे हो ना यहाँ पे, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अपने होम टाउन से ज्यादा अच्छा कैसे लग सकता है, मेरी जहाँ पैदा हुआ जैसे मेरे लिए जोधपुर है, वैसे आपके लिए झुंझुनू, वो कोई भी हो अगर कोई कहीं से, मेरे लिए जोधपुर है, इनके लिए झुंझुनू है। मैं जैसे जोधपुर में एंटर होती हूँ मुझे इतना सुकून मिलता है ना, लाइक इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब हाँ, एक होता ना कि मतलब अच्छा लगता है फीलिंग जो है, आपको झुंझुनू पहुँच के ऐसा लगता होगा ना। हाँ, और दानिश को कोई भी रिलेट करता हो जोधपुर ना, होम टाउन होता ना कोई भी, तुम्हारा होम टाउन जोधपुर, तुम्हें जोधपुर में ऐसी फीलिंग आती है, जोधपुर मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन झुंझुनू से अच्छा नहीं लगता, मुझे भी जोधपुर ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारा तो पियर है तो। हाँ, तभी तो ना, नहीं पियर की भी बात है, पियर की वजह से भी नहीं, एक होता ना यहाँ पे, मतलब एक क्योंकि तुमने यहाँ अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट एक बहुत, हाँ यही पे। सो दानिश जो है पहली बार जोधपुर दरबार जा रहा है, हम लोग पहले गए हुए हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी जब हम लोगों की नई नई शादी हुई थी तो हम लोग इस नई शादी हुई थी जब हमारी, अभी हमारी शादी को 15 साल हो गए, नई नई जब शादी हुई थी तब की, तो मतलब 2 साल तो हो गए ना, एटलीस्ट 2 साल तो हो गए, तो 2 साल जो नई नई शादी हुई थी हमारी, तो हम लोग ना डैम गए थे, गुड़िया मतलब बंटी हम सब भी गए थे, तो आते वक्त हम लोग जोधपुरी दरबार ही गए थे खाना खाने के लिए। तो उसके बाद जो हम सेकंड टाइम जा रहे हैं, दानिश जो है उस वक्त थोड़ा बिजी था तो आज इसको फुर्सत मिली है, तो आज हम लोग इसको ले, हम लोग सास से सकल तो पहुँच गए हैं और आने वाला, आपको रास्ता याद है यहाँ कहीं उधर से? हाँ, मतलब ये इसका रेस्टोरेंट का नहीं मिला ना, मैं बताती हूँ, वाली रोड है ना। हाँ, नहीं हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे ना, हमने इसके 2 चक्कर निकाले थे। हाँ, मैंने बोला ना इसमें, और इस बार भी है ना आया ना, तो हमने 1 चक्कर तो सर्कल का निकाला ही निकाला है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है यहाँ पे कौन सी गली में वो है।
हाँ इसी गली में फाइनली पहुंच गए हम लोग। और यहाँ का कौन सा फेमस स्पाइस में ग्रेवी? मतलब आप कर चुके हैं चिकन लगातार मैं अच्छे ठीक हो ये मतलब ट्राई करना ही है मैंने ना मतलब उस मैं नॉनवेज कब खाती थी ना तब मैंने तो इन लोगों को एक तो मैंने बताया सजेशन दिया है कि एक जो डिश है जो मैंने ट्राई की थी जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी यहाँ पे तो वो बहुत अच्छी है लाइक उसमें सारे तरीके के चिकन जो है आते हैं। अब पता नहीं कैसी होगी अगर अच्छी नहीं है तो ये लोग मुझे गाली देने वाले हैं। और सेकंड जो है जो ऑर्डर किया है वो इनकी पसंद का किया क्या किया मटका तगारी चिकन नहीं ली तगारी चिकन तो कैंसिल कर दिया तगारी चिकन मटका चिकन नाम तो देखो तो मटका चिकन जो है थोड़ा स्पाइसी है तो उसको ऑर्डर किया है। और औरान के लिए हम लोगों ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया औरान के लिए हमने नान ऑर्डर किए नान खाएगा औरान आई होप अच्छा है जो मैंने ऑर्डर किया है। एक्चुअली मुझे ट्राई करना था मलाई टिक्का मलाई चिकन बहुत टाइम से जो है मैंने इनको बोल रखा था कि मुझे मलाई टिक्का ट्राई करना है मतलब मैंने सिर्फ पिक्चर्स देखी है उसकी मैंने कभी खाया नहीं है। तो अभी जब हम लोगों ने ऑर्डर किया था मैंने उनको पूछा उसके अंदर मलाई चिकन मलाई टिक्का जो भी है आएगा क्या तो बोले हाँ हाँ दो दो पीस सबके आएंगे तो वो भी आएगा तो मैंने कहा चलो उसमें ट्राई कर लूँगी मैं और देखते हैं ऑर्डर कैसा आता है हमारा। भूख लग रही है बहुत तेज़ अब तो अब से रेडी होकर बैठी हूँ पता नहीं मेरी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी बहुत शोर है यहाँ पर तो मेरा बेटा प्लेट्स के साथ खेल रहा है ये गिरा मत देना ये हमेशा अपने फोन पे हाँ फोन को हाथ नहीं लगाना अभी देख अच्छा बताओ पहले जमाने में डबली बजा नहीं डबली वाले डबली बजा का अभी क्या मीनिंग निकलता है बता क्या मीनिंग निकलता मेरा इंटरनेट पे पढ़ा था क्या मीनिंग निकलता कि अपने काम से काम रख नहीं नहीं अपने काम से मतलब रख अरे शादी हो जाती है तो सब बदल दाग लेगा मैं डबली जोर से इसका मतलब था कि डबली वाले डबली बजा मतलब अपने काम से काम रखो पंचायती मत करो किसी और के काम में इसका ये मतलब देखा था मैंने इंटरनेट पे। एक बार बताओ मैं ना जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ आपके साथ अब शादी को इतना ब्लेम क्यों करती हूँ मुझे जानना है। देखो ऑडियंस कुछ ना समझे तो मैं मजाक करता हूँ शब्दों पे मत जाना मैं बहुत खुश हूँ ठीक है ये तो मेरे सामने से नजर नहीं आ रही देख तारीफ बहुत करता हूँ मैं दूसरों के सामने क्या तारीफ की बताओ मुझे घर पे कुछ भी हो चाहे कभी मेरी तारीफ नहीं करते मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं किया आज तक तारीफ नहीं देखो घर पे कुछ भी हो चाहे मैं दूसरों के सामने तारीफ हमेशा करता हूँ क्या करते हो पता लग जाता है क्या क्या काम होते हैं क्या तारीफ करते हो आज मुझे जानना है। मैं सामने तारीफ नहीं करता कुरान में लिखा हुआ सामने किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए स्पाइसी है वाह मजा आ रहा है इसको स्पाइसी है फर्स्ट टाइम मिल रहा है वो ये तो ये आ गया हमारा ऑर्डर अब तुम लोग खाओगे फिर बताना कि कैसा मेरा ऑर्डर आप लोगों को अच्छा लगा देखने में तो टेस्टी लग रहा ना चलो करो बिस्मिल्लाह। आज की हमारी सेकंड डिश मटका चिकन किस में डालो और हाँ अच्छा कैरिंग दैट ले बेटा ले
क्रेविंग हुई है मीठा खाने की. मीठा खाने के लिए हम लोग आए हैं वॉफल्स खाने. चलो आई नो वेरी वेल ये डोमिनोज है क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा पिज्जा जो है यहाँ पे खाए थे. ये मुझे बता रहे हैं ये डोमिनोज है. इनको ये नहीं पता मैं सबसे ज्यादा विजिट यही किया है मैंने डोमिनोज पे. क्या दिख रहा है जी ना आपको? हाँ क्या दिख रहा है रान? रान? क्या है रान? बोबड़ी बलून दिख रहा है इसको. आ रही है ए बेटा इधर आओ. कौन सा लेगा ये? कौन सा वाला बलून लेगा? कौन सा? ये वाला ठीक है ना? ये बजता है. ये दे दो. बजाना नहीं आता. ये बजाने वाली चीज ही नहीं. दस रुपए. हम लोग वेट कर रहे हैं वॉफल्स का. 15-20 मिनट बोला है. और हाँ और हाँ. बलून छोड़ दिया इसके. अच्छा मैं खिला रही हूँ. अच्छा तो अभी जो है मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम जाना है. नेपाली मार्केट है यहाँ पे जोधपुर में, तो वहाँ पे जो है स्वेटर मिलते हैं, बहुत अच्छे स्वेटर मिलते हैं. मतलब काफ़ी सालों तक वो स्वेटर चलते हैं अच्छे खासे. वो लेने जा रही हूँ और वो लेने जा रही हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि कामिल ने बोला है मम्मी के लिए स्वेटर लाना है और 2-3 स्वेटर और लेके आने हैं. यहाँ पे अच्छे मिलते हैं इसलिए. और कामिल जो है सुबह मॉर्निंग में 1 बजे क्लास गए हैं, तो रात को 8-9 बजे आएंगे वो. मतलब दोस्त के साथ डिनर विनर भी करने जा रहे हैं वो. सो अभी मैं और मम्मी निकल रहे हैं मार्केट. पहले मम्मी का जो पैर पर लग गई थी उसका पट्टी करवाएंगे, फिर उसके बाद जो है नेपाली मार्केट जाएंगे और स्वेटर लेना है. और किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया है. देखना चाहोगे कौन है? अरु गिर जाएगा बच्चा. सो अभी मैं और मम्मी निकल रहे हैं मार्केट के लिए और नींद आ रही है फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छी खासी. तो मम्मी की ड्रेसिंग करवा दी है और मम्मी और वो औरान उस तरफ से जा रहे हैं और मुझे गाड़ी लेनी है इसलिए मैं इस तरफ से जा रही हूँ. और ये हम लोग पहुँच गए नेपाली मार्केट. ये जो है मार्केट सर्दियों में ही लगता है और यहाँ के स्वेटर बहुत अच्छे होते हैं.